करवा चौथ के त्योहार का महिलाओं को बेसब्री से इंतजार रहता है और कहते हैं ना कि सजना है मुझे सजना के लिए, और सजना के लिए सजने के लिए देखिए जो महिलाएं हैं वो यहाँ मेरठ में आबुलेन इलाका है और यहाँ पर जगह जगह जो महिलाएं हैं वो मेहंदी लगवाने के लिए आई हुई है। एक से एक जो खूबसूरत डिजाइन है वो यहाँ पर मेहंदी के बनाए जा रहे हैं। पहले एक एक करके तस्वीर आपको दिखा देता हूँ कि देखिए यहाँ एक दो नहीं बल्कि आप देखिए कि जहां तक भी कैमरे की नजर जाएगी वहां तक आपको जो महिलाएं हैं वो मेहंदी लगाती हुई आपको लगवाती हुई यहां पर नजर आ जाएंगी। अलग अलग जो पॉइंट्स हैं वो यहां पर बना रखे हैं और जो लोग हैं वो यहां पर मेहंदी लगाने के लिए एक से एक जो बड़े डिजाइन है वो यहां पर लेकर आए हुए हैं। पहले यहां पर एक एक कपल है, पहले इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। ये देखिए कि यहाँ पर जो मेहंदी लगवाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और ये महिला यहाँ पर मेहंदी लगा रहे हैं और यहाँ देखिए कि जो इनके साथ हैं इनके हस्बैंड हैं, देखिए इसको कहते हैं, यहाँ देखिए मैडम के मेहंदी लगाई जा रही है और सर उनको कुछ ना कुछ भूख लग रही है तो कुछ ना कुछ उनको खिला रहे हैं। इन्हीं से ही शुरुआत कर देता हूँ। कहाँ से हैं मैम आप? मेरठ। अच्छा, मेरठ से ही हैं। तो मेहंदी लगवाने आए हैं? हाँ जी, काफी टाइम बाद, हम लोग बाहर रहते हैं तो काफी टाइम बाद मेहंदी लगाने का मौका मिला है हमें। अच्छा अच्छा अच्छा, बाहर कहीं जॉब करते हैं आप? हाँ, यूएस रहते हैं हम लोग। अच्छा, यूएस से हैं? हाँ जी। अच्छा, तो इस बार यहाँ मतलब फैमिली के साथ? हाँ जी, काफी टाइम बाद, ऑलमोस्ट 4-5 इयर्स। अच्छा, 4-5 साल बाद आप। अच्छा, तो क्या कहते हैं, सिर्फ मेहंदी तक या सर की जेब ढीली करा दी? काफी करा चुके वो तो। अच्छा अच्छा अच्छा, शॉपिंग भी चली, मौका मिलता है। करेक्ट। अच्छा यस। अच्छा, देख रहा था आप मेहंदी लगा रही हैं, लगवा रही हैं और दोनों हाथ गिरे हुए हैं। सर देख रहा था आपको, क्या टिक्की और कभी कुछ लेके आ रहे हैं? ये सेवा का मौका भी कभी कभी मिलता है। अच्छा अच्छा, तो यही किस वजह से पता है कि भाई यहाँ ज्यादा लोग बैठते हैं, ज्यादा अच्छे अच्छे डिजाइन? नहीं, इन लोगों के काफी डिजाइन देखे तो अच्छा लगा तो इधर बैठ गए और काफी अच्छे बंदे हैं ये लोग, सपोर्टिव भी है, दैट्स व्हाई। अच्छा, जो डिजाइन है वो बिल्कुल आपको पसंद है? हाँ, करेक्ट, बहुत फिनिशिंग है, काफी अच्छे से लगा रहे हैं तो अच्छा लगा, आई लाइक इट। अच्छा अच्छा, सर को भी मैं देख रहा था, पूरी ड्यूटी निभा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, सर से भी बात कर लेता हूँ। सर, क्या बात है, कितनी शॉपिंग करा दी मैं इनको? काफी सुबह से चल ही रहा है प्रोग्राम, 12 बजे निकले थे हम घर से। अच्छा, घर से 12 तब से यही चल रहा है। अच्छा, तब से यही चल रहा है। तो आप भी यूएस में जॉब करते हैं? जी, मैं करता हूँ। हाँ, और ये मेरे साथ रहती है वहाँ पे, डिपेंडेंट। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मतलब 4-5 साल बाद यहाँ पर आना हुआ? हम 6 साल बाद आए। अच्छा, मतलब दिवाली के टाइम पे। अच्छा, तो इस बार सोचा करवा चौथ, मैं कहा मेहंदी बोलने लगे कि भाई मेहंदी यहाँ पे लगवानी है तो देखा आप बोले तो बाजार सजा हुआ है तो इनको चूज किया हमने, काफी अच्छा था। अच्छा अच्छा, मैम भी बहुत खुश है, कह रहे हैं कि हाँ जेब भी ढीली करा दी और कुछ ना कुछ खिला दिया। ये ड्यूटी है, एक दिन की ड्यूटी है, मैं कहा चलो कर लेते। अच्छा, एक दिन की ड्यूटी? हाँ समीर। अच्छा, एक दिन की ड्यूटी, तो मतलब 4-5 साल बाद सर वहाँ से यहाँ? जी, काफी दिन। अच्छा, काफी दिन। तो देखिए कपल है, उनसे तो बात हो गई है और कह रहे हैं कि हाँ, देखिए एक बार और तस्वीर दिखा देता हूँ, देखिए इसको किस तरीके से यहाँ पर जो ड्यूटी है वो कह रहे हैं कि हाँ, एक दिन तो इस तरीके से जो ड्यूटी है वो चलती ही है और कुछ ना कुछ यहाँ उनके लिए लेकर भी आ रहे हैं। कुछ और भी हैं यहाँ पर, देखिए जो एक से एक अच्छे जो डिजाइन है वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं और इनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। मैम, आज डिजाइन खुद चूज किया है या इन लोगों ने अपनी तरफ से? नहीं, इन लोगों ने अपनी तरफ से ही प्रीफर किया है हमको कि ये खुद से ही बेस्ट डिजाइन लगाते हैं। और भी तैयारी चल रही है करवा चौथ को लेकर? जी बिल्कुल, काफी दिनों से तैयारी होती है करवा चौथ, तो स्पेशली हम लेडीज लोगों के लिए तो ये दिवाली हम लोग की यही है, तो हम लोगों का तो काफी टाइम से पहले से ही तैयारी होती है। अच्छा, पहले से। तो सर की जेब अच्छे से ढीली कराई? जी बिल्कुल। खूब शॉपिंग चल रही है? जी, शॉपिंग तो ऑलमोस्ट सबकी पूरी हो चुकी होती है तो पूरी अच्छे से जेब ढीली कर दी है हम लोगों ने। पहले ही सोचा था कि यहाँ आना है और यहाँ मैं देख के गई थी इन लोगों के डिजाइन, तो पहले से ही बल्कि कॉन्टेक्ट नंबर लिया था तो इनके पास में आई थी, तो इनके डिजाइन पसंद आए थे तो इसलिए मैं दोबारा से इनके पास में आई थी मेहंदी लगवाने। अच्छा, पहले भी यही पर थी? जी। तो देखिए कह रहे हैं कि भाई जो डिजाइन है वो डिजाइन की अपनी अलग कीमत होती है। कुछ और भी यहाँ पर महिलाएं हैं, आप यहाँ देखिए कि जो हर जगह जहाँ भी देख रहे हैं जो अलग डिजाइन है वो कहीं ना कहीं मेहंदी का अलग डिजाइन यहाँ पर नजर आ रहा है। और ये देखिए, ये भी बहुत खूबसूरत जो मेहंदी का डिजाइन है वो यहाँ पर है और ज्यादातर आप देखिए कि सबके डिजाइन जो है वो मेहंदी के अलग अलग आपको नजर आएंगे। कोई नाम लिखवा रहा है, किसी ने कोई अलग डिजाइन बनवाया। मैम, ये खुद आपने चूज किया है या? ये मैंने चूज किया है। अच्छा, हाँ। डिजाइन दिखाए थे बहुत सारे?
नहीं नहीं मैंने खुद ही अपना पर्सनल डिजाइन है, मेरे को बहुत पसंद था, मुझे ये बनवाना था, बाकी आगे का इनका डिजाइन है, ये मेरा है ऊपर का। अच्छा ऊपर का, तो पहले सोचा था कि यहाँ आना? हाँ ऐसे सोचा नहीं था, बट हाँ ये बहुत अच्छी लगा रहे थे यहाँ पे, तो फिर इसलिए मैंने यहीं पे लगवाया। अच्छा पहले से आते हैं यहाँ पर? हाँ पहले से आती हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा और क्या क्या तैयारी है करवा चौथ को लेकर? तैयारियाँ तो अब सारी पूरी हो ही चुकी हैं ऑलमोस्ट, अब तो बस मेहंदी है और कल करवा चौथ है। अच्छा अच्छा शॉपिंग वॉपिंग तो सब हो चुकी है? हाँ जी सब शॉपिंग, तो बस मेहंदी का, अब तो सिर्फ मेहंदी और कल करवा चौथ। अच्छा मेहंदी का, तो देखिए और भी है वहाँ की जो और भी जो बड़े डिजाइन है वो भी यहाँ पर देखिए, एक एक करके इनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ पूरी। मैम ये खुद डिजाइन चूज किया है या इन लोगों का? इन्होंने ही बताया है, इन्होंने ही बताया है डिजाइन। हाँ जी तो शॉपिंग वगैरह सब हो चुकी है? हाँ जी। और क्या तैयारियां है उसको लेकर करवा चौथ को लेकर? मेरा फर्स्ट है तो फिर इसलिए लहंगा वगैरह और ये सब प्रॉपर शॉपिंग वगैरह काफी अच्छी से चल रही है, हो गई है मेनली सारी तैयारी हो गई है, अब बस मेहंदी मेहंदी की, बहुत सुंदर मेहंदी लग गई। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले सोचा था कि बहुत सुंदर मेहंदी लग रहा है। हाँ जी। अच्छा इसलिए यहाँ पर आए? हाँ। तो सर से मतलब अच्छी शॉपिंग की है इस बार? हाँ जी शॉपिंग बढ़िया हुई है। अच्छा प्रॉपर मेरठ से ही है आपने? हाँ मेरठ से ही है। इसके बाद और तैयारियाँ चलेंगी? और सब हो चुका है, मेन मेहंदी का ही था लास्ट के लिए। अच्छा अच्छा ठीक है, तो मैं कह रहे हैं कि भाई जो पहली करवा चौथ है और ये हैं से भी मैम से बात कर रहा हूँ, मैं मेहंदी लगाने आए। हाँ जी। अच्छा अच्छा क्या डिजाइन कर लिया सेलेक्ट? डिजाइन होते हैं भैया के पास, मैं आती हूँ रेगुलरली उनके पास ही मेहंदी लगवाने, तो अभी इंतजार करना पड़ रहा है। बस आ गया मेरा नंबर भी। अच्छा अच्छा इंतजार करना पड़ रहा है। देखिए एक और यहाँ पर भी देखिए कि यहाँ भी जो डिजाइन है वो भी बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत जो डिजाइन है वो यहाँ पर, इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। मैम कितनी देर में आराम से आ गया था नंबर? हाँ आराम से। अच्छा आराम से, आप कहाँ से हैं? मैं इधर से ही। अच्छा हाँ। तो और शॉपिंग वगैरह सब हो चुकी है? हो गया सब। बस यहाँ मेहंदी का जो डिजाइन है खुद अपने आप या इन लोगों ने जो दिया? वो जो दिया है बस वही, अच्छा लगाते हैं भैया। अच्छा हाँ। यही आते हैं आप तो? हाँ इधर ही आते हैं। अच्छा ये देखिए जो डिजाइन है वो यहाँ पर चल रहा है, और भी जगह आपको दिखाऊंगा कि देखिए करवा चौथ को लेकर किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं, और इनसे भी बात करूंगा। मैम आप भी मेहंदी लगाने? हाँ जी हम भी मेहंदी लगवाने आए हैं। अच्छा वेटिंग में खड़े हैं। अच्छा चमकेश, अच्छा भी नंबर दिया चमकेश भाई साहब से लगवानी है। अच्छा 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 पहले से लगवाते हैं आप? हाँ जी। तो डिजाइन लेकर आए? हम इनको मैरिज वगैरह पे भी बुलाते हैं और पहले से हमेशा इनसे ही लगवाते हैं, डिजाइन हम लेके आए हैं। अच्छा और क्या क्या तैयारी है करवा चौथ को लेकर? करवा चौथ को लेके बहुत तैयारी है, मिठाई मट्ठी फैनी श्रृंगार का सामान। अच्छा, सब चीजें खरीदी हैं और अपनी डॉटर इन लॉ के लिए भी हमने सामान खरीदा है, तो काफी अच्छा फेस्टिवल है, खूब एंजॉय करती हैं सब। इंतजार रहता है बहुत, पूरा साल इंतजार रहता है आज के लिए। सबसे शॉपिंग अच्छे से करा? हाँ जी हाँ जी बहुत, 3 दिन से शॉपिंग कर रहे हैं। अच्छा 3 दिन से शॉपिंग चल रही है? गोल्ड के लिए है हमने सेट लिया है। हाँ जी। अच्छा तो कह रहे कि 3 दिन से जो शॉपिंग है, 3 दिन से शॉपिंग चल रही है, और भी आगे जाने की कोशिश करूंगा, और भी हैं उनसे भी बात करने की जो कोशिश है वो भी करूंगा। और यहाँ देखिए कि यहाँ पर भी जो डिजाइन है वो भी एक से एक डिजाइन है यहाँ देखिए, और भी आगे लेकर आपको चलूंगा। और यहाँ आबुलेन जो है एक बड़ा मार्केट है, और यहाँ आबुलेन के मार्केट पे आप देखिए कि कैसे जो डिजाइन हैं वो आप जब आप देखेंगे तो लगेगा कि हाँ वाकई, और हर डिजाइन कुछ ना कुछ अलग कहानी कह रहा है। कुछ डिजाइन लोग अपना खुद लेकर आए हैं जो महिलाएं हैं, और कुछ यहाँ के जो लोग मेहंदी लगा रहे हैं उनकी तरफ से, इनसे मैम से भी बात कर लेता हूँ। मैम बहुत अच्छा डिजाइन लग रहा है, खुद लेकर आए हैं या लोग? भैया अपनी चॉइस से लगा रहे हैं, मैं लेकर नहीं आई। अच्छा तो बाकी सब तैयारी? हाँ जी बस मेहंदी रह गई। हाँ जी। और सर से और भी बहुत सारी शॉपिंग वगैरह सब चल रही है? हाँ शॉपिंग हो गई है ऑलमोस्ट सब हो चुका, बस मेहंदी रहती है। बस एक मेहंदी रहती है। और बाकी और क्या तैयारी है करवा चौथ को लेकर? बाकी तो हमारा जो अटायर है वो रेडी है, साड़ी पहननी है वो सब रेडी है, मेकअप करवाने के लिए पार्लर बुक्ड है, और बाकी बैंगल्स लेनी थी, बिछे लेने थे, वो सब हो चुका। अच्छा पार्लर में बुकिंग कराई है कल के? हाँ जी ये मेरा फर्स्ट करवा चौथ है। अच्छा फर्स्ट करवा चौथ, क्या करते हैं सर? मैं डॉक्टर हूँ। और सर?
ही इज अ बैंकर। अच्छा सर बैंकर। अच्छा फर्स्ट, अच्छा पहली करवा चौथ तो बहुत ज्यादा क्रेज होगा। हाँ जी और वो तो होता ही है, फर्स्ट का तो होता ही है करवा चौथ का क्रेज। अच्छा तो काफी एक एक्साइटमेंट है कि भाई इस तरीके से तैयारी कर। हाँ एक्साइटमेंट भी है प्लस नर्वसनेस भी है कि कैसे रहा जाएगा फास्ट। अच्छा 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 फास्ट लेकिन तैयारी तो कर लिया ना, रखना तो है, रखना तो है ही। पति की लंबी उम्र के लिए तो कहते हैं कि ये सबसे बड़ा त्योहार है, महिलाएं कामना करती। बिल्कुल बिल्कुल, तो बस वो स्ट्रेंथ चाहिए कि हाँ पूरा दिन कल बेयर हो जाए मुझसे बिना खाना खाए। अच्छा हाँ तो क्या सर को भी बोला है कि भाई आप नहीं? अच्छा आप ही रखेंगे? हाँ मैं रखूंगी, पता नहीं सरप्राइज अगर मे भी वो रख लें तो मुझे नहीं पता, बट मैंने नहीं बोला। लेकिन आपने अपनी तरफ से प्रेशर नहीं किया? नहीं मैंने प्रेशर नहीं किया। अच्छा रखेंगे तो भी ठीक, नहीं रखेंगे, रखेंगे तो भी ठीक है, इट्स ओके। लेकिन आपने अपनी पूरी तैयारी? हाँ जी मेरी तैयारी पूरी है। कह रहे हैं कि कई ऐसे कपल्स हैं कि जिनका ये पता लग रहा है कि जो पहली करवा चौथ है और भी आपको लेकर चलूंगा आबुलेन के मार्केट में, और भी आप देखिए कि आगे जहां तक कैमरे की नजर जा रही है वहां आपको अलग अलग जो महिलाएं हैं कुछ ऐसे हैं कि जिनकी पहली करवा चौथ है, तो पूरी अपनी जो एक अच्छी और एक अपनी बड़ी तैयारी है वो यहाँ पर करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। और ये देखिए जो तैयारी है वो यहाँ पर चल रही है, और भी आगे की तरफ लेके चलता हूँ, वहाँ भी उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। आप ये देखिए जो डिज़ाइन है वो बहुत अच्छे, बहुत जो खूबसूरत डिज़ाइन है वो कहीं ना कहीं यहाँ नजर आ रहे हैं, और भी आपको लेकर चलूंगा आबुलेन पे आगे, और वहाँ भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से महिलाओं में करवा चौथ को लेकर जो क्रेज है वो नजर आ रहा है। तो अब आबुलेन पर दूसरी जगह भी आपको लेकर चलता हूं और वहां पर भी दिखाऊंगा कि करवा चौथ को लेकर किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो यहां पर तैयारियां चल रही हैं। सभी महिलाओं के चेहरे की आप मुस्कुराहट देखिए कि ये त्योहार है ही ऐसा, और यहाँ बाकी शॉपिंग तो ये लोग कर चुके हैं लेकिन अब जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं इनकी जो तैयारी है वो मेहंदी लगवाने को लेकर जो तैयारी है वो यहाँ पर चल रही है, मेहंदी यहाँ पर लगवाई जा रही है, और इनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। मैम बाकी शॉपिंग हो गई है? हो गई भैया। अच्छा बाकी अब सिर्फ मेहंदी? हाँ बस बाकी मेहंदी आज। और क्या तैयारियां करवा चौथ को लेकर? और तो कल ही होंगी बस। अच्छा कहाँ कोई मतलब कोई सरप्राइज सर की तरफ से मिल रहा हो या आपने कुछ और सोचा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा डिजाइन तो बहुत अच्छा है, आपने किया या ये लोग? फोन से दिखाया है। अच्छा फोन से दिखाया था। तो बाकी सारी शॉपिंग होगी, सिर्फ अब मेहंदी लगवाने हैं। तो कहीं सर ने कोई ये नहीं है कि वहाँ पार्टी पे चलेंगे या यहाँ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ये नहीं किया, बाकी शॉपिंग तो करा दिए सब? अच्छा हाँ जी सब हो गई। अच्छा यही कह रहे हैं कि शॉपिंग वगैरह तो हो गई है, अब तो कल ही बाकी तैयारी है। और भी यहाँ पर देखिए कि अभी यहाँ पर जो मेहंदी लगाने की जो तैयारी है वो यहाँ पर की जा रही है, और काफी लोग हैं वो इंतजार में बैठे हैं कि आखिर उनका जो नंबर है वो यहाँ पर कब आएगा। और ये देखिए हाथों पे भी पैरों पे भी यहाँ मेहंदी रचवा रही है। मैम बाकी सब शॉपिंग हो गई? हाँ जी हाँ जी हो गई। अच्छा तो यहाँ सिर्फ अब मेहंदी को लेकर? हाँ जी बिल्कुल सिर्फ मेहंदी। कल को लेकर और क्या तैयारी? बस वो तो इनको सरप्राइज देना है। अच्छा। आज जैसे रेडी होके। अच्छा जी तो सब ये जॉब करते हैं? आर्टिस्ट है हमारा अपना खुद का, इंटीरियर एक्सटीरियर का बिजनेस है। अच्छा तो अच्छा सर को सरप्राइज देना? जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पहली बार आए हैं या पहले से ही आते हैं? नहीं मैं तो मतलब अपने वहीं पे लगवा लेती हूँ, बट आज यहाँ पे पहली बार आई। अच्छा आज यहाँ पर पहली बार आए? जी जी। अच्छा वही सर को सरप्राइज देना? जी जी। और जो डिजाइन है वो खुद ही सेलेक्ट किया? नहीं वो तो अपने अपने आप लगा रही है, अपना डिजाइन है जी। और किसके साथ आए हैं? मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ और अपनी बेटी के साथ आई हूँ। अच्छा जी। अच्छा, उनके साथ आए। क्या बता आंटी जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं? हाँ मेरी बहू है। अच्छा मेहंदी लगाने के, पोती ने भी लगाई है। अच्छा अच्छा पोती को भी मेहंदी लगाई है? बिल्कुल। अच्छा अच्छा दिखाइए एक बार देखिए, तो बच्ची को भी मेहंदी लगवाई है। तो पहले सोच लिया था कि बिल्कुल। अच्छा पहले सोचा था कि बहू को यहाँ लेके जाना, बिल्कुल अच्छे से तैयार कराना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर साल करते हैं तो हमने भी किया। अब मेरे हस्बैंड तो नहीं है तो बहू करती है, ये मेरे बेटा। अच्छा अच्छा सर भी साथ है? हाँ। आप भी एक बार? अच्छा क्या बात है, मतलब पूरी पूरी फैमिली के साथ? हाँ कोई नहीं, पूरी फैमिली के साथ आए? हाँ जी जी, बहुत एक्साइटेड है कि कल के कार्यक्रम के लिए तैयारी चल रही है। अच्छा बाकी आप लोग जैसे बोल रहे हैं क्या तैयारी है वैसे कल की?
बस ये जो कर रही है ब्यूटीफिकेशन अपना। अच्छा मैम, तो उससे तो लग रहा खरीदारी तो बहुत की है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मना नहीं किया आपने? नहीं, नहीं, क्या मना करें, ये दिन होता है इनका। अच्छा अच्छा, इसी दिन ही मन ने बाकी मना कर, बाकी तो मना ही करना आप समझ सकते हो आई थिंक। अच्छा अच्छा अच्छा, बाकी मना किया। अच्छा, देखिए पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर आए हैं, कुछ और भी महिलाएं हैं, वो भी देखिए जो मेहंदी है वो यहाँ पर लगवा रही हैं, और इनसे भी बात करने की कोशिश कर लेते हैं। तो डिजाइन देखिए बहुत अच्छा, और देखिए एक और सबसे अच्छी चीज मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा दिखाएं कि देखिए एक बहुत अच्छी चीज है यहाँ पर, कहते हैं ना कि संस्कार और संस्कृति वाली जो बातें होती है, सदा सौभाग्यवती भावा, इस तरह के जो डिजाइन है वो भी आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। और भी जगह देखिए कि कहीं ना कहीं जो वेटिंग है वो जरूर चल रही है, जो काफी लंबा इंतजार है वो यहाँ पर करना पड़ रहा है। आप यहाँ देखिए कि कैसे किसका नंबर आए, कैसे बात हो, तो वो यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से यहाँ तैयारी की जा रही है। दोनों हाथ यहाँ पर वो रचवाए हैं और दोनों हाथों पर ही उन्होंने अपने मेहंदी लगवाई है, और इनसे भी बात कर लेता हूँ। मैम रच गई है मेहंदी? जी सर। तो सरप्राइज सर को कुछ देखेंगे वो भी क्या देना है। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी शॉपिंग वगैरह नहीं कर रहे? हो गई सब, हो गई। अच्छा तो अच्छा, अभी मतलब कल और कोई गिफ्ट? और हाँ, कल और कोई गिफ्ट। अच्छा तो सोचा है क्या कहना है सर से? कुछ नहीं सोचा मैंने। अच्छा, अभी कुछ नहीं सोचा। तो देखिए कहते हैं ना कि करवा चौथ को लेकर महिलाओं को बेसब्री से इंतजार रहता है, मेहंदी रचवाना, नए नए जो कपड़े हैं वो खरीद कर लाना, और सजना और सवरना, और फिर वही बात निकल कर आती है कि सजना है मुझे सजना के लिए, और उस सजने के लिए किस तरीके से महिलाएं करवा चौथ को लेकर तैयारी कर रही हैं, किस तरीके से मेहंदी रचवा रही हैं। खाली आबूलन ही नहीं बल्कि शहर के जो तमाम इलाके हैं वहां इसी तरीके से दुकानों के बाहर लोग बैठे हुए हैं और मेहंदी रचवाई जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।